और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, बड़ी खबर है। बीजेपी बैठक का दूसरा दिन है और मोर्चे के जरिए अलग अलग वर्ग पर बीजेपी का फोकस भी होगा। पार्टी के सातों मोर्चा की संयुक्त बैठक होगी और आपको बता दें कि मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष मौजूद होंगे इस पूरे बैठक में। दोपहर 1 बजे समस्त मोर्चा की यहाँ पर बैठक बुलाई गई है। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शामिल होंगे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री और इसी के साथ प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस पूरे बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी कि तमाम दिग्गज जो है इस पूरे बैठक में मौजूद रहेंगे। आगे पार्टी को किस तरह की रणनीति पर काम करना है उस पर मेन फोकस होने वाला है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस दरमियान जो है कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। तो दोपहर 1 बजे समस्त मोर्चे के साथ ये खास बैठक बीजेपी की और इसका दूसरा दिन है इस पूरे बैठक का। आज भी कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। तो बैठक का दूसरा दिन बेहद खास आज का दिन भी माना जा रहा है। आज भी कई मसलों को लेकर बातचीत होगी। तो मोर्चा के जरिए अलग अलग वर्ग पर बीजेपी का पूरा फोकस है। सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रिजेश, आज बीजेपी के बैठक का दूसरा दिन कई मायनों में खास माना जा रहा है और तमाम वर्गों को यहाँ पर साधने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं इस पूरे बैठक में देखने को मिल सकती है कि पार्टी आगे किस रणनीति पर काम करने वाली है। ब्रिजेश, इसीलिए सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक ये बुलाई गई है। सभी मोर्चों की बैठक का मतलब यही है कि बीजेपी की बॉडी के जितने भी बड़े नेता हैं अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों के, वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। कुल मिलाकर अब चुनावी साल है, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी अपनी रणनीति और पुख्ता करती जा रही है। और यही वजह है कि कल भी दिन भर लगभग रात को 9:30 बजे तक यह बैठकों का दौर चला था, जिसमें जिले के पदाधिकारी, अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों के व्यक्तियों को बुलाया गया था। कई अलग अलग बिंदुओं पर रणनीति बनाई गई है। बूथ विस्तारक पार्ट 2 योजना आगे किस तरह चलाई जाएगी उसके बारे में विस्तार से कल चर्चा की गई थी। और आज जमीन पर सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच किस तरह माहौल बनाया जाए, जो वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने का लक्ष्य है उसको कैसे पूरा किया जाए, तमाम बातों को लेकर आज बैठक होगी। इस बैठक में सभी मोर्चों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। संयुक्त बैठक की तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन लगभग 1:30 बजे ये बैठक शुरू होगी जो देर शाम तक चल सकती है। ब्रिजेश, एक तरफ हमने बीजेपी का विकास यात्रा देखा, जो तरीके से अपने तमाम उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर गई थी बीजेपी, और दूसरी तरफ बैठकों का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। ब्रिजेश, यानी कि साफ तौर पर आने वाले चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है पार्टी, एक रोड मैप, एक जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बैठकें हैं और इसके बाद माना जा रहा है कि जमीन पर मोर्चा बीजेपी कार्यकर्ता संभाल लेंगे, क्योंकि सरकार पहले से ही विकास यात्राओं निकालकर एक माहौल बना चुकी है जनता के बीच। और अब बीजेपी उस माहौल को कैसे भुनाएगी इस बात पर चर्चा चल रही है। तमाम टीमें जो हैं इस बैठक के बाद मैदान पर उतारी जाएंगी और लगातार अलग अलग अभियानों, अलग अलग कार्यक्रमों, जन्म दिवसों, संगोष्ठियों के जरिए बीजेपी अब पैठ मजबूत करेगी और प्रचार कह सकते हैं कि एक तरीके से बीजेपी का आधिकारिक तौर पर ग्राउंड पर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ब्रिजेश, बने रहिएगा और भी खबरों पर जानकारी हासिल करेंगे। तो आज